सो जी कैम 8.8 इज़ फाइनली हियर। जी कैम 8.7 तक तो हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल थे, लेकिन जी कैम 8.8 काफ़ी टाइम पहले गूगल ने रिलीज़ कर दिया था, लेकिन पोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं था। फिलहाल फाइनली अवेलेबल है जी कैम 8.8। ऑफकोर्स जी कैम का ही एक न्यू अपग्रेडेड वर्जन है। बेसिकली सेम चीज़ें इसमें आपको देखने मिलेंगी, अभी उतने सारे फीचर्स ऐड नहीं करे गए हैं। रेजोल्यूशन में आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो फ्रेम्स पर सेकेंड है उसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते फिलहाल, जो मेरे पास ये इनिशियल वर्जन अवेलेबल हैं। उसी के साथ सर इसमें देखिए पेनोरमा मोड अवेलेबल है, फोटोस्फेयर अवेलेबल है, लेकिन इसमें आपके पास गूगल लेंस का इंटीग्रेशन नहीं है। तो बेसिकली कुछ बेसिक फीचर्स तो यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका इनिशियल वर्जन से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि दो तीन चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं। और उसमें इसमें टाइमलैप्स मोड को ट्राई आउट किया तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता है, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। इसमें मैंने 5x, 10x, 30x ये सभी ट्राई आउट करे, इवन 120x ये सब चीजें ट्राई करी, सब चीजें काम करी, सो दैट्स गुड। एंड्रॉइड 13 में काम करा है, ऑफ कोर्स करना चाहिए, एंड्रॉइड 12 में आई डोंट नो, एंड्रॉइड 11 में तो शायद नहीं करेगा। और एज एक्सपेक्टेडली स्लो मोशन इसमें काम नहीं करा रही है। जितना लेटेस्ट आप जीकेएम ट्राई करते जाएंगे उतना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन एक चीज मैं आपको इसमें कंफर्म करा दूं कि ये जीकेएम बेस्ड ऑन 8.8 है, सो दैट्स गुड। पोर्ट्रेट मोड, नाइट साइड, ये सभी ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। नाइट साइड वगैरह में आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि आपका अगर एस्ट्रो फोटोग्राफी को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सब चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इसमें मुझे एक और जो काफी अच्छी चीज देखने को मिलती है वो है इसमें इंटरफेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा है वो इंटरफेस का ऑप्शन, कैसे यूज करना है और क्या है वो इंटरफेस का ऑप्शन, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो, बिकॉज अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। यहां पर चलते हैं इंटरफेस के ऑप्शन में। हमारे पास बहुत सारे इंटरफेस अवेलेबल है। इंटरफेस का मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर पिक्सल 7 प्रो को चूज कर रहा हूँ तो आप देखिए मेरे पास अभी जो फीचर्स हैं वो थोड़े से ऐड हो गए, लाइक सिनेमैटिक मोड। ऑफ कोर्स ये फीचर्स काम नहीं करेंगे, लेकिन ये फीचर्स ऐड है, थोड़ी सी बेटर यूआई देखने को मिलेगी। आई मीन फॉर फ्लेक्स दिस इज समथिंग रियली गुड, अब आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने देखा हुआ स्टार्टिंग में वीडियो के टाइम पे वीडियो स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट अवेलेबल नहीं था, ये अवेलेबल है और ये चीज काम कर रही है, सो दैट्स वेरी गुड। आपको यहाँ पर वीडियो स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ इसमें आपको मैक्रो फोकस नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आप पिक्सल 7 प्रो का इंटरफेस यहां पर यूज करते हैं तो कुछ चीजें काफी अच्छी हैं देखने में, तो काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसके साथ साथ बाकी फीचर्स बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल जाएंगे, रॉ जेपीईजी कंट्रोल, एचडीआर प्लस कंट्रोल जो कि मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, और बाकी सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल इसका इनिशियल वर्जन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो अभी इतने सारे फीचर्स ऐड नहीं करे गए हैं। काफी स्टेबल जीकैम अभी आएंगे हमारे पास आने वाले टाइम में बेस्ड ऑन जीकैम 8.8, तो आप थोड़ी सी वेट कर सकते हैं। और उसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यहां पर आपको मैं कंफर्म करा दूं दिस इज बेस्ड ऑन जीकैम 8.8। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन गुड बाय।